फ्रेंड्स, मेरे चैनल MMGM फन एंड लर्निंग में आपका स्वागत है। हमारा सेकंड डेट का प्लान था वर्कला बीच व उसके आसपास की जगह। दूसरे दिन मॉर्निंग में हम उठकर तैयार होकर और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कार से वर्कला बीच के लिए निकल गए। हमने ब्रेकफास्ट व चाय रास्ते में ही एक रेस्टोरेंट पे किए। वर्कला के लिए तिरुवनंतपुरम से बाय बस या रोडवेज बस या ट्रेन के थ्रू भी आ सकते हैं। आपने पूरा राजगढ़ के नाम रोशन कर दिया। वर्कला बीच के रास्ते में आपको काफी सारे सीनिक व्यू देखने को मिलेंगे। यहाँ आप फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी भी कर सकते हो। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था इसलिए हम कहीं रुके नहीं। ये केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम से साउथ में 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। वर्कला बीच को पापनाशम बीच व पर्ल ऑफ अरेबियन सी भी कहा जाता है। यहाँ पर जो पार्किंग इसको नॉर्थ क्लिप पर अवेलेबल है। ये एक जाना माना बीच है जहाँ आप सर्फिंग, पैरासीलिंग, पैराग्लाइडिंग, बोटिंग जैसी चीजों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। ये एक ब्लैक सैंड बीच है। यहाँ आप थोड़ी चढ़ाई करके शानदार व्यू भी देख सकते हैं। ये बीच साउथ क्लिप व नॉर्थ क्लिप में डिवाइड है। नॉर्थ क्लिप गोवा की तरह यहाँ काफी सारे टूरिस्ट आते हैं और साउथ क्लिप पर शांति प्रिय लोग पसंद करते हैं। इस बीच की जेंटल स्लोप की वजह से यहाँ सन बाथिंग व स्विमिंग के लिए काफी रिकमेंड किया जाता है। इस बीच के पास एक आइलैंड है जिसका नाम है मनरो आइलैंड। आप इसे भी विजिट कर सकते हैं जहाँ की शाम व बैक वाटर्स अलग ही पैराडाइज वाली फीलिंग देते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी रखता है क्योंकि यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना विष्णु भगवान का ना जनार्दन स्वामी टेम्पल है। यहाँ साल में 2 बार 10 दिन का फेस्टिवल भी आयोजित होता है। वर्कला बीच की क्लिप पर खाने के कई सारे ऑप्शन व मार्केट अवेलेबल हैं, जहां पर आप कपड़े व सिमिनियर भी खरीद सकते हैं। आप चाहे तो यहां नाइट स्टे भी कर सकते हैं। हम यहां रुके नहीं क्योंकि हमें जटायु के लिए निकलना था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी जटायु आर्ट सेंटर की वादियों में।